Hello everyone. Jaggu, say hello. Say hello. Say no. No? Okay. So, I am so excited. I am so happy with all your reviews. मुझे बेहद खुशी है कि आप सबको हमारे होममेड ऑल नेचुरल ऑल ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इतने सूट किए हैं. मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी इतना फैंटास्टिक और मैसिव रिस्पॉन्स आएगा. ग्रेट, आई एम सो वेरी हैप्पी कि हमारी एक छोटी सी ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदा फैमिली यहाँ पर फॉर्म हो रही है, जहां पर लोगों को पसंद आई है, सूट की हैं एक्चुअली ऑल नेचुरल चीजें, बिल्कुल जिसमें केमिकल नहीं है, प्योर नेचर से बनी हुई. लोगों के कुछ सवाल हैं जो बहुत सारे सिमिलर सवाल हैं, इसलिए आई एम हियर टू गिव यू गाइज अ डेमो कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है. तो आइए शुरू करते हैं. प्लीज किचन में थोड़ी आवाज कम करो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ. सॉरी अबाउट दैट नॉइज, लेकिन जैसे कि आपको पता है कॉटेज इंडस्ट्री है, घर में चीजें बन रही है, किचन में मसाला बन रहा है, तो थोड़ा शोर होता है. ओके, सो आपको हमारे ये दो प्रोडक्ट्स फिलहाल, हेयर मसाला एंड फेस एंड बॉडी क्रीम, इस तरह आपको मिलेंगी. पहले शुरुआत करते हैं क्रीम से. लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्रीम कैसे लगानी है, मतलब यार हाथ. सो आई टेल यू मैं अपनी क्रीम कैसे लगाती हूँ. पहले तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि भैया गर्मी इतनी है कि भैंस काली हो जाए और पर्वत पिघल जाए, तो हम क्या चीज है, क्रीम क्या चीज है. तो मैं फ्रिज में रखती हूँ इसको, और दिन में जस्ट अ फ्यू, वेरी फ्यू लिटिल ड्रॉप्स एंड दैट्स इट. ये इट्स जस्ट इनफ कि आपकी स्किन को कोट करे. कैन यू सी, जस्ट अप्लाई इट सिंपली लाइक दिस. और नेक पे जरूर लगाएं, जरूर, नेवर लीव योर नेक एंड योर हैंड्स. तो ये आपने दिन में लगाई, अब रात को इसे कैसे लगाना है. अगर आपके पास ऐसा रोलर है, मुझे ये देखिए इन लोगों ने भेजा है एक बड़ा अच्छा है, इसको क्या कहते हैं, इसको जेड रोलर ना कुछ तो कहते हैं. सो इफ यू हैव दिस, ग्रेट. नहीं भी अगर है ना, तो अपने हाथ जिंदाबाद, आप बढ़िया तरीके से अपने फिंगर्स से रात के वक्त एक थिक लेयर लें. अभी मैं नहीं लगा रही हूं, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा मेरा फेस. तो थिक लेयर, अच्छी थिक लेयर लेके इसका लेप लगाएं चेहरे पे, गले पे, और ऐसे इसको ना फेस को ये ऐसे मसाज करें ऊपर की तरफ, ऑलवेज अपवर्ड स्ट्रोक्स, है ना. रात को ये आप बस बेड में जाने से पहले, अगर कोई रीडिंग वीडिंग करते हो तो बुक लेके बैठ गए, ये साथ में ये करते रहे, है ना, या 5 मिनट्स जस्ट डिवोट अपनी स्किन को एंड गो फॉर इट. So, and that's how you apply the cream. इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर रेकमेंड करूंगी कि इसको आप फ्रिज में रखें. Now for the main questions जिसपे बहुत आते हैं हमको, and that is the oil, the मसाला, हेयर मसाला, और इसको कैसे यूज करना है. तो ये ऐसे आपको मिलेगा. देखिए, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, इसमें बहुत सारी चीजों का रस है, इसमें पल्प है, इसमें फ्लावर्स एक्सट्रैक्शन है, ऑयल्स हैं तरह तरह के, तो इसमें ये रसीला है बहुत. देखने में आपको शायद जब खोलेंगे तो मसाला वो लगेगा, लेकिन मसाले के अंदर बहुत पौष्टिकता है. अगर गर्मी की वजह से, मान लीजिए आपकी ये बॉटल में से थोड़ा सा रस लीक होके इसमें थैली में गिरता है, प्लीज उसे वेस्ट मत करिएगा, खोलिएगा और उसी सब में डायरेक्टली यू कैन पुट इट ऑन योर हेयर. नहीं तो सारे कंटेंट्स को आप एक दूसरे जार में एम्प्टी आउट करिए. मैंने अपना एक कांच के इसमें किया हुआ है, ये तेल की बोतल थी मेरे पास जो खाली हो गई, तो फिर मैंने इसमें अपना मसाला और पूरा इसके कंटेंट्स डाल के. आपको क्या करना है, जब आपको ये रिसीव आप करें, आपके घर में अगर काली कढ़ाई हो, जो लोहे की कढ़ाई होती है, तो बेस्ट है. नहीं है तो आप कोई स्टील की उसमें भी कर सकते हैं, किसी भी पतीले में या कढ़ाई में या व्हाटएवर में, आप अपने पहले तेल डालिए,
अच्छा अब तेल कैसे डालना है, इतना तो आई थिंक सबको ज्ञात होगा कि हमारे शरीर की तासीर क्या है। जैसे मुझे मालूम है कि मेरे शरीर की तासीर गर्म है, मेरा कई बार मुझे शुरू में पित्त का प्रॉब्लम भी होता था। तो आपकी अगर टेंडेंसी शरीर की इम्यूनिटी या व्हाटएवर, अगर आपको लगता है ठंडी है, मतलब आपको सर्दी जुकाम जल्दी आप कैच कर लेते हैं, आप यू नो ठंड की जगह आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आप की मतलब इसका मतलब थोड़ा सा आपका झुकाव जो है वो ठंडे की तरफ है, तो आप सरसों का तेल यूज कीजिए। और अगर आपका बॉडी हीटी है, पित्त है, तासीर गर्म है मेरी तरह, तो आप कोकोनट ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं। कई लोगों को तो दोनों सूट करती है। देर आर टाइम्स जब मुझे कोकोनट ऑयल के अलावा सरसों का तेल भी अगर मैं लगाऊं तो मुझे सूट करता है, लेकिन इस गर्मी में जो फिलहाल पड़ी हुई है आई प्रिफर कोकोनट ऑयल। तो ये आपकी चॉइस है, वॉट एवर ऑयल आपके घर में जो आप लगाते हैं बचपन से जो आपको सूट करता है, टेक दैट, पहले उसको कढ़ाई में लीजिए और फिर अपने मसाले के सारे कॉन्टेंट उसमें डाल के 5 मिनट उसे पकाइए। पहले थोड़ा हाई पे, जब बबल्स दिखने लगेंगे स्लो पे करके, 5 मिनट से ज्यादा दरकार नहीं है, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए भैया ये मसाला। सो स्लो पे उसे 5 मिनट आप पकाइए, दैट्स इट। फिर बंद कर दीजिए और सब कुछ एक ग्लास जार में डालिए। फिर 24 घंटे बाद ये आपको ऐसा दिखेगा कि तेल जो है, मसाला नीचे, तेल थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन तेल भी काला हो चुका होगा। इसका ये मतलब है कि मसाले की सारी जो पौष्टिकता है वो तेल में आ गई। अब आपको इसको कैसे यूज करना है, तो जो भी आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से, चलिए मैं आपको ठीक से दिखाने के लिए, अब मैंने जैसे इसमें से ये देखिए तेल निकाला है, मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूं और मैं थोड़ा सा, इतना सारा नहीं डालना है, अराउंड इतना मसाला ये मैं ऐसे मिलाऊंगी और फिर मैं बहुत ही देसी तरीके से ऐसे बाल खोल खोल के मांग के अंदर ये मसाला आपने भरना है। मसाला मतलब मसाला और तेल, और इवनली, कि ना सिर्फ आपके स्कैल्प पे बल्कि सारे बालों में ये अच्छे से लग जाना चाहिए। इस मसाले से आप जो है अपने स्कैल्प को स्क्रब कीजिए, तो जितनी इम्प्योरिटीज हैं, केमिकल जो अगर आपने मान लीजिए कलर किया है, अब जो भी किया है उसके जितने इल इफेक्ट्स हैं उसको ये खत्म करता है। अगर घर में कोई हो आपको लाड़ करने वाला तो उससे बोलिए लगाए, है ना, ऐसे करके। और फिर यही जो ऑयल है विथ द मसाला, ये आप बॉटल में से ले लीजिए ऐसे, है ना, इसको आपने इवन लेंथ पे जरूर लगाना है। बहुत ही नॉर्मल तरीका है, लाइक यू नो कैसे हम चंपी करते हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल माई ब्यूटिफुल साड़ी। देखिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ना आज इतनी सुंदर साड़ी पहनी है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा नंबर चेंज हो गया है, अब एक ही नंबर है हमेशा के लिए, विच इज 9820378775। मैंने जो है ये नंबर गलती से, मैंने ना एक डिजिट इधर उधर हो गया था, किसी अंकल जी नमस्ते अगर आप देख रहे हैं तो सॉरी, उन पे चले गए और उन पे आ गए सैकड़ों मैसेज के, हेलो हमें तेल दे दो, हमें ये दे दो। अंकल कह रहे कौन सा तेल, मैंने तो कौन, व्हाट इज तेल, विच ऑयल, हेलो, तो सॉरी अंकल। ओके, सो दिस इज आवर नंबर 9820378775। इस पर ही आप सारे बुकिंग्स कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपका कुरियर कब आएगा ये पूछ सकते हैं, सब ये हमारी टीम के पास है। और यस, इसी पे आपको गूगल पे, एज इन इस पे आप पूछ लीजिए तो आपको गूगल पे वाला नंबर, पेटीएम वाला नंबर भी मिल जाएगा, अब आप गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं। सो ये अंकल जी, सॉरी अंकल जी।